हेलो फ्रेंड्स, आज हम राउंड नेक में आपको अंडरग्राउंड लेस लगाना सिखाएंगे। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने नेक लेना है बुकरम में। ये मेरा मतलब रेडीमेड नेक है और ये लेस है, इसको मैं अंडरग्राउंड लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नेक को कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है इस तरीके से, जैसे बाकी हम नेक पेस्ट करते हैं उसी तरीके से सिलाई से हमने इसको पेस्ट करना है। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली है तो आप इसको प्रेस से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट किया सिलाई लगा करके, ठीक है। तो ये देखिए पेस्ट हो गया है। अब हमने बुकरम के साथ साथ, जैसे हमारा राउंड नेक है ना, उसी के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए मैं आपको पलटा के दिखाती हूँ, आप फिनिशिंग दे लें सिलाई को, क्योंकि धागा खिंच जाता है ना तो सिलाई थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है, तो उसको आप ठीक कर लें। तो ये देखिए बिल्कुल साथ साथ मैंने सिलाई लगाई है और इसी के ऊपर ही हमने लेस अटैच करनी है। तो लेस की सीधी साइड हमने नीचे वाली तरफ रखनी है, ठीक है, इस तरीके से। और जितनी लेस आपने दिखानी है ना उतनी में ही आपने सिलाई लगानी है। तो जो मैंने नीचे सिलाई लगाई है नेक में, ठीक है, तो उसके ऊपर ऊपर आपने इस तरीके से घुमाते हुए नीचे वाली सिलाई को देखते जाना है और ऊपर वाली सिलाई आपने लेस के ऊपर लगाते जाना है। और लेस को याद रहे बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ठीक है, बिल्कुल ढीला छोड़ना है लेस को। अगर खींचेंगे तो जो नेक है वो परफेक्ट नहीं बन पाएगा आपका। तो इस तरीके से आपने लेस को नहीं खींचना है। और ये मेरी राउंड शेप में लेस लग गई है। अब इसको मैं कट कर दूँगी। अब इसका मैंने सेंटर बनाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है, नाखून से मैंने सेंटर बना लिया है इसका, ठीक है। अब छोटा सा कट लगा दूंगी और कट लगाने के बाद मैंने जो शर्ट में है उसका भी मैंने सेंटर बना लेना है और उसमें भी कट लगा देना है। तो ये देखिए सेंटर बन गया है, मार्क कर दूंगी मैं, पता लगे कि आपको सेंटर यहाँ पर है। तो इस तरीके से सेंटर बनाते हुए आपने जो नेक तैयार किया है इसके ऊपर रखना है। पहले रफ सिलाई लगानी है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रफ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, फिर इसको खोल देंगे, ठीक है। खोलने के बाद हमने जहाँ पे हमारी जो लेस की सिलाई है ना, जो लेस की सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही हमने सिलाई इस तरीके से लगानी है। जो लेस की सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही लगाएंगे तो ही हमारी जो फिनिशिंग है गले में आ पाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप सेट करते जाएं गले को और नीचे वाला कपड़ा भी सेट करते जाएं जो कुर्ती वाला है। तो इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ते हुए उसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे। और कट हमारे जो लेस है ना वो भी थोड़ा सा कट लगना चाहिए लेस में। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए लेस में भी कट लगना चाहिए तभी आपका जो नेक है वो अच्छे से पलट पाएगा। तो ये मैंने रफ सिलाई भी लगा दी है, ठीक है। नेक मेरा बन के रेडी है, अंडरग्राउंड लेस लग गई है। अब इसमें हमने तुरपाई करनी है, ठीक है। तुरपाई करने के बाद ये हमारा जो नेक है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अंडरग्राउंड लेस लगानी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।